तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर के एक्सटेंशन पैक के बारे में। अगर आप भी अपना एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर रहे हो और दो तीन दिन बाद देख रहे हो कि या फिर से ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, जब भी आप अपना एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर रहे हो और आपका एक्सटेंशन पैक बार बार डिलीट हो जा रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो, बने रहो वीडियो में, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, अगर आप उसे ध्यान देते हो और फॉलो करते हो तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको बार बार अपना AMB यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार आप डाउनलोड करो, आपका एक्सटेंशन पैक डिलीट नहीं होगा। तो अगर आप अपने मोबाइल में सिक्योरिटी स्कैनर या क्लीनर ऐप यूज करते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से अपना क्लीनर ऐप यूज करके मोबाइल क्लीन करना है, नहीं तो ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, जिसके कारण उनका फ्री फायर का एक्सटेंशन पैक डिलीट हो जाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मेरे फोन में यहां क्लीनर ऐप है, इसी तरह आपके मोबाइल में भी होगा, उसमें या तो सिक्योरिटी लिखा होगा, या तो स्कैनर लिखा होगा, या तो क्लीनर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक स्कैन करने लगता है, और उसके बाद इसके समझ में जो बेकार फाइलें होते हैं ये हमें क्लीन अप करने के लिए बोलता है। तो सिंपली हम क्लीन अप पर क्लिक करके और यहाँ से वो बेकार फाइलें हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट अगर इसके अंदर आप आते हो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा व्हाट्सएप क्लीनर, फेसबुक क्लीनर एंड डीप क्लीन। अगर आप डीप क्लीन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर मोबाइल फोन क्लीन करने के लिए कई ऑप्शन और देखने को मिल जाते हैं, तो आप जल्दी जल्दी में इन सब को क्लीन कर देते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो आपको ना ही अपना ऐप डाटा क्लीन करना है और ना ही बिग फाइल्स क्लीन करना है, ये दो चीजों का आप ध्यान देना। अगर आप ऐप डाटा क्लीन करते भी हो तो यहाँ पर देख लेना, अगर फ्री फायर कहीं दिख रहा हो तो उस पर टिक ना लगाओ, अगर उस ऐप पर टिक लगा है तो आप उसे अनटिक कर दो, उसके बाद क्लीन करो। दूसरी बात ध्यान रखने वाली ये है, जब आपको लगता है कि आपके फोन का स्टोरेज फुल हो रहा है, तो आप लोग अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में आते हो, यहाँ से पुरानी फाइल, पुरानी मूवी या सॉन्ग वगैरह डिलीट करने लगते हो। तो अगर आप ये सब करते हो तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप अपने मोबाइल के इस एंड्रॉयड वाले फाइल में कोई छेड़छाड़ करते हो या इसे डिलीट कर देते हो, तब आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सभी ऐप का डाटा इस एंड्रॉयड वाले फोल्डर में रहता है। अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो कुछ भी हो जाए, आपको इस एंड्रॉयड वाले फोल्डर को डिलीट नहीं करना है। तो अगर आप ये दोनों बातें ध्यान देते हो तो ना ही आप इस प्रॉब्लम में पड़ोगे और ना ही आपका डाटा एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करने में खर्च होगा। अब फ्री फायर में आके इसे डाउनलोड कर लेना है, एंड इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी बात बताई उस सबको याद रखना है, और कभी कभी फ्री फायर में नए अपडेट आने के कारण भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।